दोस्तों, क्या आपने एक्सेल पर बिना किसी फॉर्मूले को यूज़ किए इन सभी टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस या फिर प्रॉपर केस में कन्वर्ट किया है? नहीं, देखिए, यहाँ पर मैं कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा हूँ और हम यहाँ से डायरेक्ट इसको जो है अपर केस या फिर लोअर केस या फिर प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। बिना किसी फॉर्मूले के हम अपने एक्सेल में किसी भी डाटा को अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर केस में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक्सेल में आपको इन सभी टैक्सेस को अपर केस, लोअर केस या फिर प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट टैब में आना होगा और यहाँ से आपको आना होगा गेट एडिंस पर। गेट एडिंस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टोर पर आप जाएंगे और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा। यहाँ पर चेंज केस टाइप करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सर्च रिजल्ट में ऑप्शन आएगा चेंज केस का। यहाँ से हम इस एडिंग्स को ऐड कर लेंगे अपने एक्सेल में। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एडिंग्स जो है ऐड होकर आ जाएगा इस तरह। तो अब यहाँ से हमें किसी भी टैक्स को अपर केस, लोअर केस या फिर प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना, सिंपल हमें उसे सिलेक्शन करना है और यहाँ से हम इसको अपर केस पर क्लिक करके चेंज पर क्लिक करेंगे और यस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सारा टैक्स जो हमारा अपर केस हो गया है। उसके बाद लोअर केस पर क्लिक करेंगे, चेंज पर क्लिक करके यस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए सारा लोअर केस हो गया है। और इसी तरह हम प्रॉपर केस पर क्लिक करके चेंज पर क्लिक करके यस पर क्लिक करेंगे, तो प्रॉपर केस हो गया है। इस तरह से हम अपने टैक्स का जो है केस जो है चेंज केस जो है अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हमने इस जो एडिंस को हमने यहाँ पर ओपन कर रखा है, इसको हमने क्लोज कर दिया है, अगर तो फिर से दोबारा इसको ओपन करने के लिए हम यहाँ से इंसर्ट टैब में यहाँ पर जाएंगे माय एडिंस पर। माय एडिंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने जो भी एडिंस ऐड कर रखा होगा वो हमें यहाँ शो हो जाएगा। और फिर हम क्लिक करके यहाँ से ऐड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इस एडिंस को फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर कोर्सेज की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।